इस तस्वीर को देखिए, किस तरह मासूम सा ये बच्चा दिख रहा है जिसने अभी जिंदगी के पाठशाले में तजुर्बा बटोरना शुरू किया था और इसके फलसफे को पढ़ रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने ही उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इतनी बेरहमी और खौफनाक तरीके से हत्या कर डाली कि दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन जार जार कर रोने को करेगा। ये सनसनीखेज वारदात हजारीबाग शहर के लोहसीना थाना के अधीन झील के पास हुई। बताया जा रहा है कि 14 साल का शकबुल अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने गया था। तलवार से उसका बर्थडे केक काटा गया। इसके बाद दो नाबालिग दोस्तों ने ही उसे तलवार से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देकर सभी दोस्त फरार हो गए। ये घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। बर्थडे पार्टी में शामिल चचेरे भाई सलमान ने इसकी तुरंत जानकारी शकीबुल के पिता के दी। इसके बाद उसने ई रिक्शा में लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची या किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। आनंद फानन में परिजन आरोग्यम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने शकीबुल को मृत घोषित कर दिया। कि 6-7 बच्चा यानी कि इन लोग गया था बर्थडे मनाने के लिए, उसी बीच में मेरा बच्चा को पहले तो बताया कि रट से गिर गया था, भुका गया, यहाँ भी पता चला, लेकिन बाद में फिर पता चला उन्हीं लोग से कि हथियार से मार दिया मेरे बच्चा को। कोई दुश्मनी से मेरा बेटा को मार दिया है, इसका इंसाफ हमें चाहिए। हम केक लेके हल्का से सैड गए, फिर वापस आए तो देखे 4 लड़का अधे उसको पकड़ लिया और जिसके पास अधे बुयाली था वो अधे यहाँ सीना पे मार दिया। कि भैया ऐसा घटना हो गया है, दुख के घड़ी में हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। जिनका भी बच्चा गया समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी, और इस घटना से सभी को सबक लेना चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नज़र बना के रखें। अगर बच्चे उधर कहीं भी जाते हैं तो उनसे पहले पूछ ले, या फिर गार्जियन है गार्जियन ले करके जाए। ये घटना हुई है, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है, और ये पूर्णता न्याय मिलना चाहिए परिवार को, और जाँच का विषय है। तो आत्महत्या है कि हत्या है ये तो जाँच होने के बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। थाना प्रभारी से जी से भी बात हुई, वही बोले कि पूर्ण रूप से हम लोग परिवार के साथ है, जो भी इसमें आरोपी होंगे अगर सत्यता साबित होती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई 100% की जाएगी। इस सनसनीखेज घटना में बचपन के 7 दोस्त शामिल थे। नाच गाने के साथ खाना पीना भी हुआ, फिर शकीबुल को मारा गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस रंजिश की वजह से दोस्तों ने ही दोस्त का कत्ल कर डाला। आखिर किस बात को लेकर खुन्नस और दिल में बगावत पल रही थी, इसकी गुत्थी अभी सुलझना बाकी है। फिलहाल पुलिस नाबालिग हत्यारों की तलाश तेज कर दी है। लोहसीना थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जगह जगह छापामारी कर नाबालिगों की तलाश की जा रही है।